दोस्तों, मैं हूं वरुण। दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा वीवो के 3 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में जो कि 20,000 से नीचे की कीमत पर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, अगर आप वीवो के स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं, आपका बजट 20,000 रुपये तक का है, तो इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगा उन स्मार्टफोन्स के बारे में जो इस बजट के सबसे बेस्ट स्मार्टफोन हैं अभी के। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस टेक टॉक को और देखते हैं कौन कौन से हैं वो स्मार्टफोन्स। सब्सक्राइब कीजिए टेक टॉक चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले। दोस्तों, वीवो के मैंने 3 स्मार्टफोन सेलेक्ट किए हैं 20,000 से नीचे की रेंज में जो अभी के वीवो के सबसे बेस्ट स्मार्टफोन हैं। और अगर आप स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं, वीवो के बजट आपका 20,000 रुपये तक का है, तो आप इन तीनों स्मार्टफोन्स को कंसीडर कर सकते हैं लेते समय। तो शुरू करूंगा मैं तीसरे नंबर से। तीसरे नंबर पर जो स्मार्टफोन है दोस्तों वीवो का, वो है वीवो Z1X। ये स्मार्टफोन आता है कुछ इन स्पेसिफिकेशन के साथ। सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्ले की। डिस्प्ले इसका 6.38 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। दोस्तों, ये स्मार्टफोन आता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, और जो प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है वो है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 712। कई एक मेमोरी वेरिएंट में ये उपलब्ध है, जिनमें 4GB, 6GB और 8GB रैम के वेरिएंट शामिल है। और इसमें जो रियर कैमरा है वो एक ट्रिपल रियर कैमरा है, जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा भी बहुत अच्छा है, 32 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है। बैटरी जो इसमें लगी हुई है वो 4500 mAh की है, और ये चार्ज होती है 22.5 वाट के चार्जर के थ्रू, जो कि एक फास्ट चार्जर है। तो ये जो स्मार्टफोन है Z1X वीवो का, ये तीसरे नंबर पे उपलब्ध है, और ये तीसरा सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है वीवो का 20,000 से नीचे की रेंज में। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर जो स्मार्टफोन है वीवो का, वो है वीवो V17। ये स्मार्टफोन भी बहुत अच्छे फीचर्स के साथ आता है। सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्ले की। डिस्प्ले इसका 6.44 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। साथ ही ये भी स्मार्टफोन अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 675 है, और ये स्मार्टफोन आता है 8GB रैम के साथ, 128GB के इंटरनल स्टोरेज एक वेरिएंट में मिलेगी, और दूसरा जो वेरिएंट है उसमें 8GB रैम और 256GB की इंटरनल स्टोरेज आपको मिलेगी। रियर कैमरा इसका क्वाड कैमरा है, जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा इसका भी 32 मेगापिक्सल का है। बैटरी जो इसमें लगी हुई है वो 4500 mAh की है, और ये चार्ज होती है 18 वाट के फास्ट चार्जर के थ्रू। तो दोस्तों, वीवो का ये स्मार्टफोन वीवो V17 हमारे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर चलते हैं। पहले नंबर पर जो स्मार्टफोन है वीवो का, वो है वीवो V19। वीवो V19 आता है कुछ इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्ले की। डिस्प्ले इसका भी 6.44 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ये भी स्मार्टफोन आता है। इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 712 है। ये भी स्मार्टफोन अवेलेबल है 8GB रैम और 128GB, साथ ही 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आप इसे ले सकते हैं। और इसका जो कैमरा है दोस्तों, वो क्वाड कैमरा है, जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा इसका डुअल फ्रंट कैमरा है, जिसमें प्राइमरी सेंसर 32 मेगापिक्सल का है। और जो बैटरी इसमें लगी हुई है वो 4500 mAh की है, और ये चार्ज होती है 33 वाट के फास्ट चार्जर के थ्रू। तो ये जो तीनों स्मार्टफोन मैंने बताए, वीवो का Z1X, वीवो V17 और वीवो V19, ये तीनों बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन हैं। तीनों की कीमत 20,000 रुपये से कम है, और तीनों को आप कंसीडर कर सकते हैं लेते समय। जो आपको अच्छा लगे आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तीनों में डिफरेंसेस जो हैं वो ज़्यादा नहीं हैं। किसी में प्रोसेसर अच्छा है, किसी का कैमरा अच्छा है, किसी में ज़्यादा तेज़ चार्जर वीवो ने दिया है। तो तीनों जो हैं स्मार्टफोन 20,000 से नीचे की कीमत पर बेस्ट हैं। आप तीनों में से किसी भी स्मार्टफोन को सेलेक्ट कीजिएगा तो आप निराश नहीं होइएगा इसके परफॉर्मेंस से। लेकिन अगर आप कंपेयर कीजिएगा इन तीनों को, तो वीवो V19 जो है इन तीनों में सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों, ये थे वीवो के 3 स्मार्टफोन्स 20,000 से नीचे की रेंज में। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, धन्यवाद।